नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सिंगरौली जिले के विकासखंड चितरंगी अंतर्गत ग्राम सुधा में संचालित एक शाला एक परिसर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सुधा के छात्र छात्राओं को शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने जंगल का सैर कराकर वन भोज भी कराया, जहां स्कूली बच्चे काफी खुश थे। स्कूली बच्चों ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की शपथ ली। विद्यालय की कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं सहित पूरे स्टाफ को संयुक्त रूप से ग्राम कुशहनिया के वन चौकी पिकनिक स्पॉट का भ्रमण कराया गया, जहां स्कूली बच्चों को जंगल की सैर कराई गई। जंगल की यात्रा स्कूल से शुरू होकर कुशहनिया तक हुई। रास्ते में बच्चों ने पेड़ पौधे वनस्पतियां फूल पत्तियों विभिन्न प्रजाति की चिड़िया और जीव जंतुओं के दीदार किए। भोजन बनते तक छात्र छात्राओं ने वन संरक्षण पर आधारित कविता पाठ एवं गीतों की प्रस्तुतियां दी। पर्यावरण आधारित खेल शिक्षक ने बताया कि वन भोज के साथ स्कूली बच्चों में वन एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वन भोज का आयोजन किया गया। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही स्कूली बच्चों को जंगल की सैर भी कराई गई। स्कूली बच्चों ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की शपथ भी ली। छात्र छात्राओं ने बताया कि उसने जंगल में आकर शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल का अनुभव किया। दौरान विद्यालय परिवार के सदस्यगण व काफी संख्या छात्र छात्राएं शामिल रहे। वन चौकी प्रभारी अन्य स्कूलों के टीचर भी वन भोज में पहुंचकर स्कूली बच्चों के साथ वन भोज में शामिल होकर भोजन किया। साथ ही ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य जंगल व नदी किनारे संचालित स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों को जंगली जानवर व नदियों के प्रति जागरूक करना है, ताकि गांवों में होने वाले मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण के साथ जीवन में जंगल की महत्ता को समझ सके। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।